हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे परीक्षा हो कोई सी भी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने कुछ बातें पढ़ी और उन कुछ बातों में हमें एक नाम निकल कर आया, पादप विज्ञान। और ये पादप विज्ञान किस में आ रहा है? पादप में क्या क्या आता है? पेड़ पौधे। और ये पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ रहे हैं? वनस्पति विज्ञान में। दोस्तों, जीव विज्ञान देखा हमने। जीव विज्ञान दो पार्टों में बट गया, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। पादप विज्ञान और जो हमारा आता है वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ये बात हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पादप विज्ञान हमने देखा था कि कार्ल लीनियस, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि दो भागों में बांट दिया। अब हम बात करते हैं पादप विज्ञान की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप विज्ञान का वर्गीकरण, ये हमारा टॉपिक होगा आज यहां से, ठीक है। पादप विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप विज्ञान की बात कर रहे हैं, पादप जगत की हमने कुछ चीजें देखी। तो ये जो पादप विज्ञान है आपका, ये दो भागों में बटा हुआ है, पहला भाग और दूसरा भाग। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। पादप विज्ञान का वर्गीकरण, ये दो भागों में बटा, वर्गीकरण के अनुसार विभाजित हुआ, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम समझ रहे हैं, अभी थ्योरी लिखेंगे इसकी। तो पहला जो भाग था अपुष्पोद्भिद, फिर आती है पुष्पोद्भिद। तो हमारे पास दो पार्ट आ गए, अपुष्पोद्भिद। इसकी हम बात कर लेते हैं। अपुष्पोद्भिद तीन भागों में बटा हुआ है, पुष्पोद्भिद दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं वो दो भाग या तीन भाग हम देखेंगे। पहले अपुष्पोद्भिद देख लेते हैं, ये तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा आगे ले आते हैं, इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो पहला भाग है हमारा थैलोफाइटा। ये आपने सुना होगा, थैलोफाइटा ये शब्द आपने सुना होगा। ब्रायोफाइटा। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे आपके टेरिडोफाइटा। तीन भाग आपके हो गए अपुष्पोद्भिद के, पहला, दूसरा, तीसरा। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में पादप विज्ञान। पादप विज्ञान का वर्गीकरण किन्होंने करा है ये आपको बताया जाएगा, किस सन में करा है ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में अभी लिखवा दूंगा आपको, ठीक। चलिए, तो ये दो भागों में बट गए, अपुष्पोद्भिद तीन भागों में बट गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब
पुष्पोद्भिद की बात कर लेते हैं, पुष्पोद्भिद की बात कर लेते हैं, ये भी दो भागों में, ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो दो भाग देख लेते हैं। दो भाग अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। दूसरा क्या है? आवृत बीजी, आवृत बीजी। चलिए, थैलोफाइडा, टेरिडोफाइडा और ब्रायोफाइटा अपुष्पोद्भिद हो गए आपके, पुष्पोद्भिद हो गए अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब मैं बात कर लेता हूं आवृत, इसको देख लीजिएगा, इसे नग्न बीजी भी कहा जाता है, इसे नग्न बीजी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इनका नाम भी पूछ लेगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और ये होगा एंगियोस्पर्म, एग्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एग्नोस्पर्म। देखिए ये जो चार्ट आपका बन रहा है अभी इस जगह पर, जो चार्ट आपका बन रहा है पादप विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो ये भाग में बट चुके हैं। अब हमने कुछ चीजें जानी थी कि जीव विज्ञान को दो भाषाओं में, दो भागों में बांटने का श्रेय हमने किन्हें दिया था, दो भागों में बांटने का श्रेय हमने दिया था अरस्तु जी को। उन्होंने दो भागों में बांटा जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु थे, वनस्पति के थियोफ्रेस्टस। फिर हमारे किंगडम्स को पांच भागों में बांटा गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण। किन्होंने दिया था? व्हिटेकर, व्हिटेकर ने दिया, कार्ल लिनियस ने भी दिया था, उन्होंने दो ही जगत वर्गीकरण दिया था। अब इसमें वनस्पति विज्ञान जो आपका पार्ट पादप विज्ञान का है, चलिए मैं शुरू से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत आराम आराम से धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको ध्यान हो जाएगी, याद हो जाएगी, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे के एग्जाम में, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा आती है, और यहाँ पर मुख्यतः इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी डीप से डीप और अच्छी से अच्छी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, तो हमने देखा कि दो पार्टों में बटी, मैं बात कर रहा था पादप विज्ञान की, पादप विज्ञान। ये स्थिति कब बनी? सबसे पहले हमारी बायोलॉजी थी, ये दो भागों में बट गई, जंतु जगत, पादप जगत। ये वाला जो पादप जगत है ये यही है, ये यही पादप जगत, पादप विज्ञान, इन्हीं की बात हो रही है। अब ये जो था पादप जगत, ये कौन थे? वनस्पति वाले, वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी किसमें बटी? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जंतु जगत एनिमल किंगडम, पादप जगत प्लांट किंगडम, याद आ रहा होगा। किन्होंने दिया था ये? लीनियस, कार्ल लीनियस ने, ठीक। बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया था और फिर पांच भागों में बांटा गया, वो व्हिटेकर ने बांटा था। तो पांच जगत को भी, अब बात आ गई कि पांच जगत को किसने बांटा, जो मैंने अभी आपको लिखवाए, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, थैलोफाइटा, थियोफाइटा, थेरिडोफाइटा, सॉरी टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ये किन्होंने बनाए? पहला पॉइंट आपको लिखना होगा, सर्वप्रथम
सर्वप्रथम पादप जगत का वर्गीकरण किया, किन्होंने करा था, किन्होंने करा है, एकलर 1883 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बहुत कम बच्चों को पता होता है ये, पर लेकिन आपको याद करते हुए चलना है एकलर। अब पादप जगत बच चुका है। पादप जगत जब बट जाएगा तो कितने पार्टों में बटा, दो भाग में विभाजित। कौन कौन से थे वो दो भाग? पहला अपुष्पोद्भिद, सेकंड नंबर पर पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद इसमें ही मैं आगे लिख देता हूं, अपुष्पोद्भिद में मैं आगे लिख देता हूं, ये जो होते हैं ये और ये दोनों अलग अलग हैं, पर लेकिन इनको इसके आगे ना लिख के मैं यहां पे कर देता हूं, थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो अपुष्पोद्भिद को ले लेते हैं, अपुष्पोद्भिद ये कितने भागों में बटा, तीन में। कौन कौन से लिखवाए मैंने अभी चित्र के जरिए, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और तीसरे नंबर पे आपका था ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्पोद्भिद, ये कितने पार्टों में बटे, दो पार्ट में बटे। पहला अनावृत बीजी, सेकंड आवृत बीजी, ठीक। अब देखिए, सर्वप्रथम पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत को इन सारे पार्टों में, दो पार्टों में बांटा, और इन दो में पहले पार्ट को तीन में और दूसरे वाले को दो में, किन्होंने बांटी ये बातें, किन्होंने बताई है आपको, एकलर ने, कब बताइए, 1883 में। फिर हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि उपपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद दो भागों में बांटा गया, तो ये उपपुष्पोद्भिद हम कैसे पता करेंगे कि कौन उपपुष्पोद्भिद है और कौन सा पुष्पोद्भिद है। अपुष्पोद्भिद जो होगा जिसमें बीज और फूल नहीं, इसमें बीज फूल है, ठीक। अब देखिए, आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, हम पहले बीज डालेंगे, गेहूं की फसल करनी है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो भी बीज वगैरह होते हैं वो डालते हैं मिट्टी में, और फिर वो बीज क्या होते हैं, धीरे धीरे आपके उगते हैं। आपने मान लीजिए कोई बीज डाला और ये बीज इसके अंदर गया और यहाँ से फूल निकला,
ठीक है, ये हमारा बीज बोने के बाद फूल निकला तो ये चीज हो गई, या फूल निकलता है और फसल होती है। तो इस तरीके से जिसमें बीज और फूल, बीज से उगाया जाएगा जो उसकी जड़ होगी, जो बीज होगा वो यदि नहीं है तो वो होगा अपुष्पोद्भिद, और जिसमें बीज या फूल होते हैं जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, वो कैसे होंगे? पुष्पोद्भिद। इसमें आएंगे आपके शैवाल जो होते हैं, आपके शैवाल देखे होगी, शैवाल कवक जीवाणु आप देखते होंगे, ये कैसे होते हैं? अपुष्पोद्भिद होते हैं। चलिए तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पुष्पोद्भिद में कौन कौन से पाए जाएंगे? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और पुष्पोद्भिद में कैसे पाए जाएंगे? अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अब अनावृत बीजी की मैं बात करूं, अनावृत, आवरण, आवृत, आवरण, आवृत, आवरण। तो जिसमें आवरण है, जिसके बीज में आवरण है, जिसके बीच में आवरण है, यानी कि मान लीजिए बीज है, ये बीज है और इस पर कवर लगा हुआ है, आवरण माने होता है कवर, ठीक है, कवर से ये घिरा हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? आवृत बीजी। और अनावृत यानी कि जिसमें बीज नहीं है तो वो हो जाएगा अनावृत बीजी। चलिए अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट थैलोफाइटा की, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनते हुए चलेंगे आपके, ठीक। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। हमने देखा कि अपुष्पोद्भिद में तीन टाइप थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम पहला पॉइंट? थैलोफाइटा। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा थैलोफाइटा, ठीक। चलिए थैलोफाइटा कैसे पहचान होगी? इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते, जड़, तना, पत्ती नहीं होते। इसमें क्या होता है? जड़, तना, पत्ती नहीं होते। यह ऐसा लिखिएगा, इसमें या इसके अंतर्गत, इसमें या इसके अंतर्गत शैवाल कवक और जीवाणु आते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं, तो हमने बात करी, ये इंग्लिश वाले लिखेंगे, इसे लिखेंगे एल्गई, इसे लिखेंगे फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक। चलिए तो शैवाल का जीवाणु, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, तो उनको आएंगे ये तीन थैलोफाइटा के अंदर आएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं पहले वाले पॉइंट शैवाल की, पहला वाला पॉइंट हम ले लेते हैं शैवाल। चलिए नीचे लिख लेते हैं, अभी बहुत जगह है हमारे पास। शैवाल, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है या कवक का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो शैवाल का अध्ययन है आपका फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी ठीक है, कवक का कहलाता है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। शैवाल की अगर हम बात करें, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल कई प्रकार के होते हैं, कई जगह पर पाए जाते हैं। शैवाल आपने देखा होगा मशरूम होता है, मशरूम शैवाल होता है ठीक है। तो बहुत से लाभदायक भी हैं शैवाल और बहुत से हानिकारक भी हैं ठीक। तो हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। चट्टानों पर होने वाला शैवाल, आपसे पूछा जाएगा चट्टानों पर होने वाला शैवाल क्या कहलाता है। शैवाल कहलाता है क्या कहलाता है, क्रिप्टोफाइट्स। ये पूछा जाएगा आपसे क्रिप्टोफाइट्स ये एक मिनट ये चट्टानों वाला लिथोफाइट्स कहलाएगा, सॉरी ये वरना यहां पे गलत हो जाएगा हमारा। चट्टानों वाला क्या कहलाएगा, लिथोफाइट्स ठीक, लिथोफाइट्स कहलाएगा। क्रिप्टोफाइट जो है वो बर्फ वाला है, लिख लीजिए इसको भी, बर्फ पर पाया जाने वाला शैवाल क्रिप्टोफाइट्स, इसका आंसर होगा क्रिप्टोफाइट्स ठीक, क्रिप्टोफाइट्स। देखिए आपने कछुआ देखा होगा, कछुए की पीठ पर कौन सा शैवाल पाया जाता है, कछुए की पीठ पर चलिए जी, लगातार दोनों क्लासें एक साथ रहती हैं। अभी हम MCQ ज्योग्राफी के लेकर हुए हैं, तो लगातार वीडियो बनाता हूँ मैं ठीक है, और आगे भी आपके लिए आती रहेंगी ठीक। हाँ, हमारी बात हो रही थी कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल ठीक है। कछुए की पीठ पर कौन सा है, प्रोटोरडमा ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रोटोरडमा। चलिए प्रोटोरडमा, अब आपने देखा होगा कि एक शैवाल बहुत ज्यादा फेमस होता है जो अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉइड होते हैं वो अंतरिक्ष में ले जाते हैं ठीक है, स्पेस में ले जाते हैं, उसे बोलते हैं क्लोरेला, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग में लाते हैं क्लोरेला शैवाल को इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। चलिए तो शैवाल से हमारे कुछ क्वेश्चन और ठीक, एक
चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। शैवल बस आपका ख़त्म ही हो गया है, ये बस आपका ख़त्म, बस थोड़ा सा रह गया है। चलिए एक और पॉइंट, शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन विटामिन ए सी डी ई पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, आज हमारा सवाल कंप्लीट। दोस्तों इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकांशतः क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवाल का अध्ययन आपका कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु। ठीक है, तो आज हमारी क्लास इतनी। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों हम लोग कल पढ़ चुके थे शैवाल, हम थैलोफाइटा वर्ग पढ़ रहे थे पादप विज्ञान वनस्पति विज्ञान में, जो एकलर ने, एकलर पादप जगत का वर्गीकरण किन्होंने करा है, मैं रिवीजन कर रहा हूं थोड़ा सा, पादप जगत का वर्गीकरण किन्होंने करा था, एकलर। कब करा था इन्होंने, 1883 में, कब करा है इन्होंने, 1883 में एकलर ने करा, और एकलर ने इन्हें बांट दिया दो में, दो भाग बांटे, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। आपको ध्यान आ रहा होगा कौन कौन से भाग बांटे, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में क्या थे, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बेरायोफाइटा। पुष्पोद्भिद में क्या थे आपके, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंगियोस्पर्म। ठीक है, इसको हम बात कर रहे थे, हम हमारा डिस्कस चल रहा था आप लोगों का, हमारा जो मुद्दा चल रहा था वो किस पर चल रहा था, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा कैसे थे, जिसमें जड़ तना पत्ती नहीं होते। इसमें हमने देखा था कि ये शैवाल, कवक और जीवाणु पाए जाते हैं। शैवाल हम कंप्लीट कर चुके थे, अब बारी है कवक और जीवाणु की, अब बारी है कवक और जीवाणु की। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवक। कवक से आपसे कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कवक फंगई इंग्लिश में बोलेंगे, इसमें हरित लवक पर्ण हरित क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें पर्ण हरित क्लोरोफिल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, एक तो पादप यानी कि पेड़ पौधों की बात, अब पेड़ पौधों में लवक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें जो भोजन अपना ये बनाते हैं, ये ग्लाइकोजेन के रूप में क्या करते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में एकत्रित रखते हैं। चलिए ये पॉइंट वैसे भी आगे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं कवक के अध्ययन को, यहां पर ध्यान रखिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, यहां पे धा कर लीजिएगा अध्ययन। ठीक है, कवक के अध्ययन को, अध्ययन को, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है माइकोलॉजी वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है माइकोलॉजी से। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये बात मैंने बता दी, पर्णहरित में पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं होता है तो भोजन नहीं बना पाएंगे, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते क्लोरोफिल ना होने के कारण, ये बात डिस्कस हो गई पहले ही, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये बात हमने क्लियर कर ली पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता रहता है, एकत्रित होता रहता है। चलिए नेक्स्ट, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या होगा, कोशिका भित्ति काय की बनती है, काइटिन की। देखिए जंतु कोशिका जो झिल्ली थी वो बनी थी प्रोटीन और लिपिड की,
हमने फिर आगे देखा कि पादप कोशिका भित्ति बन रही थी सेल्यूलोज की, अब बात आ गई पादप के अंदर ही, पादप के अंदर ही कवक है एक थैलोफाइटा वर्ग का, जिसकी कोशिका भित्ति बनती है उसकी काइटिन की, काय की बनती है काइटिन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कवक से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, कवक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कवक तीन प्रकार के होते हैं। कवक कैसे होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। कवक कैसे होते हैं? सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। अब हम बात कर लेते हैं, ये दूसरे पौधों के साथ उगते हैं और दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, ये दूसरे पौधों के साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट, सहजीवी हमारा हो गया है, परजीवी की हम बात कर लेते हैं। परजीवी इसमें लाइकेन एग्जाम्पल है, लाइकेन एक अच्छा एग्जाम्पल है, और लाइकेन को देखिए इसमें ना एक बात का ध्यान रखिएगा, लाइकेन का, लाइकेन कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल दोनों में काउंट हो सकता है, कवक और शैवाल दोनों में काउंट हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं परजीवी की तरफ, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं परजीवी की तरफ। चलिए ये नेक्स्ट वाली लाइन हटा दीजिएगा, ठीक, परजीवी की तरफ हम आए। यहाँ पर परजीवी ये जंतु एवं पौधों के ऊतक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और हानिकारक होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परजीवी कैसे होंगे? हानिकारक होंगे, ठीक है, परजीवी हानिकारक होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, परजीवी कैसे होंगे? हानिकारक होंगे। नेक्स्ट हम आगे आते हैं मृतोपजीवी, ये अपना भोजन सड़े गले या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी क्या करते हैं? सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, क्या करते हैं? सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जानवर मर गया है या कोई भी अवशेष है, वहां पर ये आ जाते हैं कवक, ठीक है, किस टाइप के कवक होते हैं ये? मृतोपजीवी। किस टाइप के होते हैं? मृतोपजीवी, और ये अपना भोजन इससे बनाते हैं, इसको खाते रहते हैं, इसको खाते रहते हैं। चलिए थ्योरी से काम हो जाएगा, कोई इतनी जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कवक के लाभ। देखिए लाभदायक कवक भी होते हैं बहुत से, तो लाभ क्या क्या चलेंगे हमारे? इसमें कह रहा है भोजन के रूप में कुछ कवक भोजन के रूप में खाए जाते हैं, तो जैसे कुछ कवकों की हम बात कर लें तो कौन कौन से कवक ऐसे होंगे जो भोजन के रूप में खाए जाएंगे? आपने सुना होगा मशरूम होता है, एग्रिकस छत्रक, एग्रिकस छत्रक मशरूम, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये होगा मशरूम, ठीक, मशरूम, एग्रिकस छत्रक का मतलब हो गया मशरूम, गुच्छी मुरचला, ये अलग है, कॉमा लगा लीजिएगा, गुच्छी मुरचला, मुरचेला होगा, ठीक है, मुरचेला एग्रिकस, ठीक है, मुरचेला और एग्रिकस, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, पनीर उद्योग में, पनीर उद्योग में, पनीर उद्योग का अर्थ है पनीर बनाने में भी हम कह सकते हैं, कवक का प्रयोग काम में आता है, कौन कौन से? एस्परजिलस और पेनिसिलियम, एस्परजिलस और पेनिसिलियम ये काम आते हैं, एस्परजिलस और पेनिसिलियम किस में काम आते हैं? पनीर में काम आते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल बनाने में यीस्ट नामक कवक का प्रयोग किया जाता है, और यीस्ट का प्रयोग एक में और करा जाता है, कौन सा है? डबल रोटी ब्रेड बनाने में, डबल रोटी ब्रेड बनाने में, ठीक है, डबल रोटी उद्योग में डबल रोटी को मुलायम एवं ताजा रखने के लिए यीस्ट नामक का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट जो जगह, दो जगह पर पाया गया है, एक यहां पर और एक यहां पर, डबल रोटी में और एल्कोहल में, एल्कोहल और डबल रोटी कौन? यीस्ट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे
सोकोरो भाषिज और सेरविसी। देखिए सोकोरो भाषिज और सेरविसी भी क्या है, इसी तरीके के काम करने में लाभदायक है। इनके काम क्या है ये मत लिखिएगा चाहे, पर लेकिन ये भी लाभदायक है। जैसे यीस्ट लाभदायक है पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ज्यादा बड़ी क्लास ना रखेंगे हम, नॉर्मल छोटी छोटी क्लासों से ही आपका सिलेबस हो जाएगा। कुछ समय बाद हम आपकी बायो की भी टेस्ट की क्लास लाएंगे, जिसके जरिए आपको बायो में इंटरेस्ट आए और बायो भी आप लोग भूगोल की तरह याद कर पाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, औषधि के रूप में एंटीबॉडीज दवाइयाँ कवक से ही बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ कैसी बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ कैसे बनेंगी, कवक से, ठीक है, अधिकांश लाइकेन से भी बनती हैं, ठीक है, लाइकेन कवक में ही आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक से हानि क्या क्या है, क्या क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, ये हमें देखना होगा। देखिए बहुत से कवक इमारती लकड़ी को हानि पहुंचाते हैं। बहुत से कवक कौन से हैं जो इमारती लकड़ी को क्या पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। और कौन से कवक है ये, आर्मी लेरिया, ये आपके सामने आ गया, आर्मी लेरिया कौन पहुंचाते हैं, आर्मी लेरिया लकड़ी को हानि पहुंचाते हैं, इमारती लकड़ी को। चलिए कुछ कवक खुले भोजन अचार जैम जेली को नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक क्या करते हैं, अचार भोजन और जेली जैसी चीज़ों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यदि अगर वो खुले रहे तो जैसे आपने देखा होगा अचार सड़ जाता है, या फिर खाने को अगर हम खुला हुआ छोड़ दें भोजन को, तो वो उसमें फंगस आ जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे लंच बॉक्स लाते हैं और वो काफ़ी समय तक अपने लंच बॉक्स को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, वो उसको बदलते नहीं है, धोते नहीं है, तो आपने देखा होगा फफूंद सी टाइप का कुछ पड़ जाता है, फंगस फफूंद बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वही कवक है, वो क्या है, कवक है वो, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे राई जो पस म्यूकर एस्परजिलम, ठीक है, एस्परजिलम ये जो होंगे ये इस प्रकार के कवक हैं जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले कवक हैं, नुकसान पहुंचाने वाले कवक हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कवक से होने वाले मानव रोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवक से होने वाले मानव रोग, एस्परजिलेसिस फेफड़ों का रोग है, दूसरा है दाद रिंगवॉर्म भी इसे बोला जाता है, कवक से होने वाले पशु रोग, एप्पल टेफूट, एस्परजिलेसिस, म्यूक्रोमाइकोसिस, ये ध्यान रखिएगा म्यूक्रोमाइकोसिस, इन दो को, एस्परजिलेसिस को और म्यूक्रोमाइकोसिस को जरूर ध्यान रखिएगा, इन दो को जरूर ध्यान रखिएगा। रिंगवॉर्म और फेफड़ों का जो रोग है, रिंगवॉर्म और फेफड़ों का रोग कौन सा है, एस्परजिलेसिस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है एस्परजिलेसिस वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो पशु और इंसान दोनों में पाया जा रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों कितने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक ही रोग है जो दोनों में होता है, इसलिए ये मुख्य हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कवक चमड़े कागज के सामान को नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक क्या होते हैं, जैसे चमड़े या कागज का जो कोई भी सामान होगा, या बुक्स होंगी, आपने देखा होगा बुक्स सड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, आपने देखा होगा, या आपका जो चमड़े का जो जूता होगा वो भी खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो किससे होता है, कवक के कारण होता है, जैसे पेनिसिलियम, तो कौन से कवक से हो रहा है, पेनिसिलियम कवक से हो रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ कवक मशरूम जहरीले होते हैं। अब हमने मशरूम पढ़े थे, मशरूम कौन सा पढ़ा था हमने, एग्रिकस, ठीक है, ध्यान आ रहा होगा आपको, एग्रिकस मैंने भी नाम लिखवाया था, वो लाभदायक वाला है, ठीक है, और कुछ मशरूम क्या होते हैं, जो जहरीले होते हैं, कुछ कवक या मशरूम कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं, जैसे अमीनेटो लैक्टोरियम, ठीक है, अमीनेटो लैक्टोरियम, एक और है लुसोला, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अमीनेटो को इम्पोर्टेंट और लैक्टोरियम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, ठीक है, अमीनेटो और लैक्टोरिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे पास कवक चल रहा था, कवक में मैं आपको बता रहा था कि लाइकेन क्या था, जिससे एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती थी, और ये शैवाल में भी आता है,
शैवाल और कवक दोनों में आता है कौन, लाइकेन। अब हम लाइकेन की बात करेंगे। लाइकेन जो शब्द आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये शब्द किन्होंने दिया था, थियोफ्रेस्टस ने। ये जो लाइकेन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है किन्होंने दिया, ये थियोफ्रेस्टस ने। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा, ठीक। आपको देखना होगा लाइकोन, लाइकेन जो है थैलोफाइटा वर्ग का है। देखिए हम कवक पढ़ रहे हैं, ये कवक है और कवक किसके अंतर्गत आ रहा है, थैलोफाइटा वर्ग में। यदि अगर आप इसको शैवाल भी मान लेंगे तब भी शैवाल किसके अंतर्गत आता है, थैलोफाइटा के। तो लाइकेन को इसमें हुआ 110% थैलोफाइटा में। चलिए आगे देखते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना हुआ है। बहुत देर से मैं बता रहा हूं आपको, कवक यहां पर देखिएगा, कवक जल खनिज विटामिन आदि शैवाल को देता है। कवक क्या करता है, क्या क्या देता है शैवाल को, जल खनिज और विटामिन किसे देता है, शैवाल को देता है, किसे देता है शैवाल को। और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है और उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट बना कार्बोहाइड्रेट बनाकर क्या करता है, कवक के रूप में देता है, ठीक है, कवक को देता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था। यहां पर लाइकेन होगा, ठीक है, ई लगा लीजिएगा, लाइकेन शब्द का प्रयोग ई लगा लीजिएगा यहां पर, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था, ठीक, ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं। लाइकेन का अध्ययन लाइकनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकनोलॉजी कहलाता है लाइकेन का अध्ययन। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कार्टिकोल्स। जो पेड़ की छाल पर होगा कार्टिकोल्स, और जो चट्टानों पर होगा सेक्सिकोल्स, ठीक है, चट्टानों पर कौन सा होगा, सेक्सिकोल्स, ठीक है। चलिए कवक से होने वाले रोग हम ये डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम कवक से होने वाले रोगों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर हमारा पीडीएफ आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, ठीक। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, ठीक है। चलिए एक मिनट, यहाँ तक हम कर चुके हैं कार्टिकोल्स तक। ये वाला जो पैटर्न है आपका, खाली चट्टान है ना, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहते हैं, सेक्सिकोल्स। मैं यही बात अभी आपको बता रहा था, चट्टानों पर उगने वाले को सेक्सिकोल्स। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। देखिए लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का संकेतक होगा। लाइकेन यदि है तो आपको पता चल जाएगा कि वायु प्रदूषित है, ठीक है, वो सॉरी अगर लाइकेन नहीं है तो वायु प्रदूषित है, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक, जहां वायु प्रदूषित होती है वहां लाइकेन नहीं होता, ठीक है। वायु प्रदूषित होगी तो लाइकेन नहीं उगेगा। लाइकेन का महत्व, लाइकेन का महत्व क्या है, चट्टान या पत्थर पर सर्वप्रथम लाइकेन उगते हैं। चट्टान या पत्थर पर सबसे पहले क्या आता है, सर्वप्रथम लाइकेन आता है। सर्वप्रथम कौन आता है, लाइकेन। लाइकेन के उगने एवं नष्ट होने के क्रिया के कई वर्षों तक चलते रहने के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। अगर लाइकेन बनेगा फिर कम, फिर घट जाएगा, फिर बनेगा, फिर खत्म, फिर बनेगा, फिर खत्म, इसी प्रक्रिया से करते करते क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। इसी प्रक्रिया से मिट्टी बन जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेलिया और सेक्सटिलिस, परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग काय में करा जाता है, मिर्गी की दवाई बनाने में करा जाता है, मिर्गी की दवाई बनाने में करा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लाइकेन ऐसा है जिससे मिर्गी की दवाई बनाई जाती है, तो आप बताएंगे परमेलिया सेक्टिलिस, परमेलिया सेक्टिलिस, ठीक। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी जैसी रोगों की बीमारी की दवाइयां लाइकेन से बनाई जाती हैं, ठीक है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों की जो बीमारी की जो भी इलाज है या उसके प्रति जो दवाई बनाई जाएगी वो किससे बनेगी, लाइकेन से बनेगी, लाइकेन से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कवक, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। कवक हमारा चल रहा है, लाइकेन हो गया, अब कवक पूरा हो चुका है और कवक से होने वाले कुछ रोगों की बात करेंगे। कवक से होने वाले कुछ रोग आपको मैं सर पीडीएफ का थोड़ा हो सके तो, ठीक।
चलिए थैंक यू। कवक से होने वाले रोग, यहां पर आप देखिए पौधे और रोग, यहां पर लिख लेंगे हम पौधे और रोग, ठीक है। एक एक बार से आप देखते हुए चलिएगा, यहां पर मैं पढ़ता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। सरसों का सफेद रोग, देखिए सरसों में एक सफेद रोग होता है जिसे क्या कहते हैं, किट रोग कहा जाता है, किट रोग कहा जाता है। मूंगफली में टिक्का रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको यह बात तो पता ही होगी कि मूंगफली में टिक्का रोग होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली में टिक्का रोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे गन्ना, गन्ना में होता है रॉड, ठीक है, गन्ना में कैसा होगा लालपन, ब्लैक रॉड कहते हैं, तो इसे कहेंगे कौन से रोग, कौन सा रोग होगा, रेड, कौन सा होगा रेड, इसमें क्या होता है लालपन आ जाता है गन्ने में। चलिए चना, बिल्ट, चना में क्या होगा बिल्ट, देखिए यहां पर रेड रोड है, रेड रोड है ना, रेड रोड जो लालपन आता है, आपने देखा होगा गन्ना जो होता है गन्ने में लालपन आने लगता है, गन्ना जैसे कि ये गन्ना है इसमें जो जॉइंट होता है जॉइंट के पास लालपन आने लगता है, पीछे की तरफ भी आप देखते होंगे कि लाल लाल होता है गन्ना कहीं कहीं से, तो ये होता है रेड रोड, रेड रोड होता है, ठीक है, किसमें होगा गन्ना में, और चना में होगा बिल्ट, चना क्या होता है बिल्ट, ठीक है। बॉडी बिल्डर जो बच्चे जिम में जाते हो वो ऐसे याद कर लेंगे, चना खाने से बॉडी बिल्ट होती है, बॉडी बिल्ड होती है, इसको ध्यान रखना, चना खाना है आपको बिल्ड करने के लिए। चलिए गेहूं, ब्लैक रस्ट, गेहूं में, गेहूं क्या होता है, गेहूं में क्या होगा ब्लैक रस्ट, ये जो मैं कर रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, टिक्का भी इंपॉर्टेंट है, टिक्का, रेड रॉड और ब्लैक रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बाजरा, बाजरा में कौन सा होगा अर्गट, बाजरा में कौन सा होगा बाजरा, बाजरा में कौन सा होगा अर्गट, ठीक। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, पपीता फुटरॉड, पपीता फुटरॉड, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मैं रफ कर देता हूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाश्चुरीकरण, नेक्स्ट हम बात करेंगे पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण किन्होंने दिया है, लुई पाश्चर ने दिया है, लुई पाश्चर ने दिया है। चलिए पाश्चुरीकरण, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग लुई पाश्चर ने किया 1866 में, लुई पाश्चर, पाश्चुरीकरण किन्होंने करा, पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने दिया 1866 में उपयोग करा, उन्हीं के नाम पर इस विधि के, उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम क्या पड़ा है, पाश्चुरीकरण पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, इस विधि में दूध को, मान लीजिए आप दूध को, आपने देखा होगा लड़कियां, खासतौर में लड़कियों की बात करूंगा, लड़कियां दूध पकाती हैं, ठीक है, गैस पर, तो उसे क्या कहते हैं कि दूध आपका खराब ना हो जाए, दूध आपका खराब ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए, उसके लिए आप दूध को गर्म करते हैं, पकाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा 62.8 डिग्री सेल्सियस 145 फारेनहाइट ताप पर लगभग 30 मिनट तक दूध गर्म किया जाता है, ठीक है, लगभग दूध गर्म किया जाता है, इससे दूध में मौजूद जीवाणु मर जाते हैं, मौजूद जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है, जीवाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, बैक्टीरिया, अभी बैक्टीरिया हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, पर लेकिन हम पाश्चुरीकरण की बात कर रहे हैं, जीवाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, और दूध काफी समय तक खट्टा नहीं होता, यानी कि खराब नहीं होता है, दूध काफी समय तक खट्टा नहीं होता, खराब नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कभी कभी यह प्रक्रिया, इसमें ध्यान रखना, कभी कभी यह प्रक्रिया थोड़ी स्पीड से करी जाती है, स्पीड से क्या करा जाएगा, टाइम हो जाएगा कम 15 सेकंड और टेम्परेचर बढ़ा देंगे 71.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टाइम कम कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, पर लेकिन काम वही है, दूध क्या होगा आपका, जीवाणु मर जाएगा, इसमें भी जीवाणु मारे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, चलिए प्रकाश संश्लेषी की हम बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी, जीवाणु प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं परंतु इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जीवाणु में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, पर लेकिन प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। लाभदायक जीवाणु कौन कौन से भाई, लाभदायक जीवाणु, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में,
बढ़ाने का काम जीवाणु ही करता है। उर्वरता यानी कि भूमि के पकड़ को बनाए रखता है, भूमि कटाव नहीं होता, उर्वरता को बढ़ाने में लाभदायक है। कौन? जीवाणु। राइजोबियम नाम का जीवाणु, राइजोबियम होगा ये, वाह ठीक है। राइजोबियम नाम का जीवाणु दलहनी फसलों दाल चना मटर की जड़ में पाया जाता है। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन लेकर, ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में बदलता है, जिससे पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए मैं आपको पौधा थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। पौधे क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी में वो डायरेक्ट प्रोटीन नाइट्रोजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रेट के द्वारा लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी के द्वारा। तो जैसे हमारे पास एक फूल या एक पौधा है यह हम मान लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड से हम बना रहे हैं, हो सकता है अच्छा ना बने पर लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए चलिए देखिए, अब ये जो हमारा फूल बन चुका है, ठीक है, हमारे पास ये फूल बन चुका है। अब ये फूल या जो भी पौधा है ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट वायुमंडल से हवा जो है हमारे आसपास उससे डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस नहीं ले पा रहा है, ये नाइट्रोजन अपने अंदर नहीं ले पा रहा, नहीं जा रही है क्रॉस। अब ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषी क्रिया करेगा और जिससे इसे वायुमंडल से नाइट्रेट के रूप में क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी। ये नाइट्रोजन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट के रूप में और ये अपना भोजन बना लेंगे। यही बात हमारी यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। पौधे क्या करते हैं के रूप में बदल देते हैं, नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, जिससे पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में बदल कर, ठीक है। कैसे कर रहे हैं ये, राइजोबियम नाम के जीवाणु से। कौन से जीवाणु से, राइजोबियम नाम के, ठीक है। वायुमंडल से नाइट्रोजन सीधे नहीं ले सकते, ये बात बस मैं समझा रहा था आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। धीरे धीरे बस पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक दिन में कोई पहाड़ नहीं टूटता है। धीरे धीरे पढ़िए, धीरे 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 आप कछुए की चाल से चलते रहिए, क्योंकि जीत कछुए की ही होती है। ये नहीं है कि आपने दो दिन में कोर्स खत्म करा फिर उसके बाद सब भूल गए, फिर पेपर आया फिर दो दिन में सब कुछ उखाड़ने की कोशिश करी फिर भूल गए, नहीं, वो बच्चा पास नहीं हो रहा है। पास बच्चा वो हो रहा है जो धीरे 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 चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप रुके, बस के मुझे करना है तो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनाने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है लैक्टोबेसिलस, ठीक है। दूध से जो दही बनाता है वो कौन सा जीवाणु बनाएगा, लैक्टोबेसिलस, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर जीवाणु जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो गया, मैं थोड़ा आगे पीछे हो गई है पीपीटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीवाणु से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए होंगे वो मैं अभी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। लैक्टोबेसिलस नाम का जीवाणु दूध में मौजूद होता है, ठीक है, कौन होगा, लैक्टोबेसिलस। और दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है केसिन, ये बहुत पूछा जाएगा, दूध के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दूध के अंदर एक प्रोटीन होगा केसिन जो पाया जाएगा, जो छोटी छोटी बूंदें जिसके ऊपर जमा हो जाती हैं और दूध से दही बन जाती है। और ये काम कौन करवा रहा है, कौन जीवाणु करवा रहा है, कौन सा जीवाणु, लैक्टोबेसिलस, ठीक है। इसी तरीके से आपका चीनी और गन्ने का किण्वन करके सिरका बनाया जाता है, ठीक है, एस्परजिलसिस एसीटी द्वारा एक जीवाणु है वो क्या करता है कि गन्ना
और चीनी को सड़ाने के बाद, सड़ जब वो गल जाता है, सड़ जाती है बिल्कुल, ठीक है, किण्वन का मतलब होता है सड़ना, ठीक है, ये किन्होंने बताया, लुई पाश्चर ने। चलिए हम देख लेते हैं, गन्ने या चीनी के घोल का किण्वन, किण्वन का मतलब है सड़ना, किण्वन का मतलब होगा सड़ना, ठीक है, क्या उसे रखा रहने दिया और वो चीज क्या है, सड़ गई, ठीक। एसेटोवेक्टर एसीटी, एसेटोवेक्टर एसीटी ये किसका नाम है, जीवाणु का नाम, इस जीवाणु के कारण क्या बनना है, सिरका, किसका, किण्वन का, किसके किण्वन का, गन्ने या चीनी के। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से चीनी को या गन्ने को सड़ा कर या किण्वन कर सिरका बनाया जाता है। तो एस्परजिलस एसीटी, एसेटोवेक्टर एसीटी, सॉरी एसेटोवेक्टर एसीटी के द्वारा, ठीक है। यह आपसे पूछा जाएगा कि किसके कारण होता है, वहां होगा कवक, जीवाणु और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको बताना होगा कि जीवाणु के कारण ये होता है। चलिए, हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कुछ हानिकारक जीवाणु हैं आपके, बुटोलिनियम के अलावा कोई और नहीं पूछेगा, ठीक है, ब्रुटो लिखा है, बुट्टो होगा ये, ठीक है, बुटोलिनियम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इनसे होने वाले पौधे रोग, पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, पौधा रोग और जीवाणु में लिख देता हूं। आलू में होता है सैतिल रोग, स्यूजामानस, जीवाणु का नाम होगा स्यूजामानस। नींबू में होगा कैंकर रोग, ठीक है, सिट्री कैंकर होता है ना, नींबू में कैंकर रोग जैंथोमानस द्वारा, ठीक है, जैनियो लिखा है, जैंथो होगा यहां पर, जैंथोमानस, ठीक है, जैंथोमानस द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सेब, सेब अग्निरिज्जा, इरिविनिया जीवाणु, जीवाणु का नाम क्या है, इरिविनिया, और रोग कौन सा है, अग्निरिज्जा, किसमें, सेब में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फल, फल में होगा क्राउन, फल क्राउन, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम, गेहूं में होगा टुंडू, गेहूं में टुंडू, ठीक, ये होगा कोरिना बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम इधर आएगा कोरिना के पास, ये कोरिना बैक्टीरियम होगा, ये पूरा कोरिना बैक्टीरियम यहाँ पे आएगा बैक्टीरियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चावल में होती है अंगमारी लिखा हुआ है, अंगमारी, ठीक है, जैंथोमानस द्वारा ही होता है, ये भी जैंथोमानस द्वारा ही होता है, जैंथोमानस ओराइजी, ये ओराइजी भी इधर आएगा जैंथोमानस के पास, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जीवाणु जनित मनुष्य रोग, तपेदिक, कोड, टिटनेस, डिप्थीरिया, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, खांसी, प्लेग, सूजक, पेचिस और सिफिलिस, ठीक है, ये आपके रोग हो गए, ठीक। अब हम बात कर रहे थे, ये आपके रोग हो गए जीवाणु से, हमारा जो कुछ स्टार्टिंग के जो पॉइंट जो छूट गए थे, अब आप देख रहे होंगे बहुत देर से जीवाणु चल रहा था, पर लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें ये नहीं बताई कि जीवाणु, मैं बीच में डिस्कस भी कर रहा था कि जीवाणु के कुछ पॉइंट रह गए स्टार्टिंग के, जैसे जीवाणु नाम किसने दिया, जीवाणु की खोज किसने करी, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे। चलिए आइए हम वो देख लेते हैं, जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, पर हम देख लेते हैं जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए, ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। चलिए, एरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया, किन्होंने दिया, एरेनबर्ग ने। अब देखिए बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, जीवाणु का जैसे ही नाम की बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में आता है जोहानसन। जैसे हम बात करेंगे किसी बच्चे से, यदि पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने करी, बच्चा एकदम ही डायरेक्ट वन टच बोलता है जोहानसन। देखिए, जो जोहानसन है उन्होंने जीवाणु की खोज नहीं करी थी, उन्होंने करी है खोज जिन शब्द की, अनुवांशिकी की इकाई जो है ना जिन, अनुवांशिकी डीएनए की इकाई जो है जिन, ये वो वाला जिन जोहानसन ने नाम दिया था, ठीक है, और जीवाणु नाम जो दिया है वो दिया है एरेनबर्ग जी ने, ठीक। चलिए, लुई पाश्चर ने किण्वन
जीवाणुओं द्वारा होता है, ठीक है, किण्वन जीवाणु द्वारा होता है, ये बात हमने अभी क्लियर कर ली। चलिए ये मानव द्वारा, देखिए जीवाणु क्या होता है, जीवाणु कहाँ कहाँ मिलेगा, मानव द्वारा सांस लेने में, पानी में, खाने में, हर एक चीज में लगभग लगभग ये मिलता है। ये पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको कर लीजिएगा। मात्र 6 घंटे में, ठीक है, मात्र 6 घंटे में 1 जीवाणु से 10 लाख जीवाणु बन जाते हैं, ठीक है। यदि अगर 6 घंटे दिए जाए और आपके पास 1 जीवाणु है तो 6 घंटे बाद वो 10 लाख जीवाणु बन जाएंगे, एक ही घंटे में। कितने घंटे में? एक ही घंटे में। जीवाणु में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें क्या होता है, मिसोसोम होता है। अब आपको ध्यान रखोगा, जब मैंने पहले दिन कोशिका पढ़ाई थी तो माइटोकांड्रिया का काम मैंने बताया था सांस लेना, ठीक है, श्वसन के लिए। तो ये किससे कर रहा है? मिसोसोम द्वारा कर रहा है। ये किसके द्वारा कर रहा है? मिसोसोम। इसकी जो कोशिका होगी जीवाणु की, वो कैसे काम करेगी? मिसोसोम से काम करेगी, श्वसन तंत्र वाला, ठीक है। जीवाणु एक कोशिका के होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले दिन बताया था अमीबा पैरामीशियम और जीवाणु, अमीबा पैरामीशियम और जीवाणु कैसे है, एक कोशिका के है, ठीक। द्रव की एक बूंद में, द्रव की एक बूंद में 5 करोड़ जीवाणु समा सकते हैं। कितने? 5 करोड़ जीवाणु समा सकते हैं। कितने समा सकते हैं? 5 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके से 5 करोड़ जीवाणु समा सकते हैं, ठीक है। 5 करोड़ जीवाणु किसमें? एक बूंद में। मान लीजिए पानी की एक बूंद टपकी, उस बूंद के अंदर कितने जीवाणु आ सकते हैं? 5 करोड़, ठीक है। चलिए जीवाणु में आज इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, ठीक। चलिए जीवाणु, आपका जीवाणु कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम पादप विज्ञान को जल्दी खत्म कर देंगे और उसके बाद जल्द ही आप लोगों के लिए एक टेस्ट और आने वाला है, बायो का, बायोलॉजी टेस्ट आपका आने वाला है। बायोलॉजी टेस्ट में आपके 50 MCQ, ध्यान से सुनिएगा, 50 MCQ का बायोलॉजी टेस्ट आने वाला है। जिस प्रकार से आपका ज्योग्राफी का चल रहा है प्राइज वाला, इसी प्रकार बायोलॉजी का प्राइज वाला आने वाला है, ठीक है, प्राइज वाला आने वाला है, ठीक। ये नेक्स्ट संडे में होगा, कल जो होगा आपका वो होगा ज्योग्राफी का, और जो आने वाला संडे होगा उसमें क्या होगा? बायोलॉजी का होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।